हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिस्कवरी चैनल को सिर्फ और सिर्फ मैन वर्सेस वाइल्ड के लिए ही देखा करते होंगे, जहां पर बेयर इस बार कहां पर जाएगा और अपनी जान कैसे बचाएगा। इससे ज्यादा हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि बेयर इस बार कौन से जानवर या उसकी टट्टी को खाएगा। लेकिन जहां पर इस शो के अंदर थ्रिल और एडवेंचर को दिखाया जाता था, मैन वर्सेस वाइल्ड और बेयर ग्रिल्स की कुछ बिहाइंड द सीन ऐसे सीक्रेट फैक्ट्स भी हैं जो शायद आप न जानते हों, जैसे कि बेयर ग्रिल्स को उनको बेयर नाम किसने और कब दिया था। मैन वर्सेस वाइल्ड की करियर में बेयर ग्रिल्स ने अब तक की कौन सी सबसे वाहियात चीज खाई है? क्या ये बात सच है कि बेयर ग्रिल्स एक्चुअली इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते थे? और क्या बिहाइंड द सीन मैन वर्सेस वाइल्ड के अंदर चीजें फेक भी हुआ करती थी? वेल, इन सब का जवाब आपको जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैन वर्सेस वाइल्ड के बारे में जानने से पहले चलिए समझते हैं द वन एंड ओनली द मैन के बारे में, यानी अपने बेयर ग्रिल्स, जिनका ओरिजिनल नाम एक्चुअली एडवर्ड माइकल्स ग्रिल है और ये 7 जून 1974 को आयरलैंड में पैदा हुए थे, जहां पर उनके दादा और परदादा अपने जमाने में एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर्स थे जो इंग्लैंड के कई सारे लोकल और रीजनल टीम्स में भी खेल चुके थे। बट वहीं पर उनके पिता ब्रिटिश नेवी के रॉयल यार्ड स्क्वाड्रन के एक सेलर थे, जिसके कारण यहां पर बेयर ग्रिल्स की एडवेंचर की शुरुआत उनके टीनेज ईयर से हुई थी और उन्होंने उसी समय स्काई डाइविंग करना भी सीख लिया था और वो अपने पढ़ाई के साथ साथ सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट बने शोटोकान कराटे में। बट सवाल ये उठता है कि बेयर नाम उन्हें दिया किसने? वेल, इस नाम को उनकी बड़ी बहन लारा फॉसेट ने उन्हें दिया था जब वो सिर्फ और सिर्फ हफ्ते भर के ही थे और ये बेसिकली उनका एक निकनेम है। वेल, अभी यही उनकी कहानी खत्म नहीं होती। बेयर ग्रिल्स का एक्चुअली एक बहुत ही हैवी आर्मी बैकग्राउंड है, जहां पर वो ब्रिटिश आर्मी की टेरिटोरियल आर्मी में 21 एसएस यूनिट के एक पैरा ट्रूपर भी रह चुके हैं और केनिया में एक 1996 के मिशन के दौरान उनका एक पैरासूट एक्सीडेंट भी हुआ है, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी की 3 वर्टिब्रे भी टूटी थी। लेकिन इसके ठीक 18 महीने बाद वो इंडिया के वेस्ट बंगाल और सिक्किम में एवरेस्ट की चढ़ाई की तैयारी करने के लिए आए थे और फाइनली उन्होंने 16 मई 1998 को 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। इसके अलावा साल 2004 में बेयर ग्रिल्स को लेफ्टिनेंट कमांडर ऑफ रॉयल नेवल रिजर्व का सम्मान दिया गया था। वहीं पर साल 2013 में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ रॉयल मरीन रिजर्व बनाया गया और फाइनली जून 2021 में उन्हें ब्रिटिश आर्मी के कर्नल की उपाधि दी गई। अब जाहिर सी बात है, उनसे अच्छा इस शो के लिए शायद कोई और नहीं हो सकता था, जिसके कारण डिस्कवरी टीवी ने उनके साथ मार्च 10, 2006 में मैन वर्सेस वाइल्ड का पहला पायलट एपिसोड रिलीज किया था, जिसका नाम द रॉकीज था। बट अपेरेंटली इस शो को फुल शो बनने में काफी ज्यादा वक्त लग गया और फाइनली इसके लेटर एपिसोड्स 10 नवंबर 2006 से टीवी पर आना चालू हुए और तब से लेकर अब तक इस सीरीज के फिलहाल 76 एपिसोड्स आ चुके हैं। अब जैसा कि शो के अंदर हमेशा दिखाया जाता था कि बेयर ग्रिल्स को बेसिकली एक अननोन लोकेशन पर ड्रॉप कर दिया जाता था और वहां से वो अपनी सर्वाइवल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके किसी प्रकार से अपनी जान को बचाकर बाहर निकलते थे, बट ऐसा पूरी तरह से सच नहीं था और बिहाइंड तकरीबन एक एपिसोड को बनाने के लिए 10 से 12 दिनों तक का वक्त लगता था, क्योंकि लगभग हफ्ते भर तक का वक्त तो मैन वर्सेस वाइल्ड के बिहाइंड सीन टीम को एरिया और लोकेशन ढूंढने में ही लगता था और उसके ढूंढने के बाद उन्हें उस लोकेशन को बेयर ग्रिल्स के हिसाब से थोड़ा तैयार करना पड़ता था और कई सारे सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था, जिसके लिए बिहाइंड सीन कई सारे एडिशनल एक्सपर्ट्स को भी हायर किया जाता था। डोंट वरी, इस वीडियो में अभी और भी सारे राज खुलने वाले हैं। अब बेयर ग्रिल्स के वाइल्ड एडवेंचर के कारण डिस्कवरी पर तो इस टीवी शो को मैन वर्सेस वाइल्ड के रूप में ही दिखाया गया था, बट क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर के अलग अलग कोनों में इस शो को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जहां पर यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मलेशिया और ऐसे कई सारे देशों में इसे मैन वर्सेस वाइल्ड के रूप से ही जाना जाता है। लेकिन ये शो जहां पर ओरिजिनेट होती है, यानी यूनाइटेड किंगडम, यहां पर इसे बॉर्न सर्वाइवर बेयर ग्रिल्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे कई सारे देशों में अल्टीमेट सर्वाइवर के नाम से भी जाना जाता है। कई बार अपनी एनर्जी बरकरार रखने के लिए हमने बेयर ग्रिल्स को अलग अलग प्रकार की अजीब और गरीब चीजों को खाते हुए देखा था, लेकिन आपको क्या लगता है बेयर ग्रिल्स के हिसाब से उन्होंने आज तक की सबसे वाहियात चीज कौन सी खाई होगी? वेल, ना तो वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, स्कॉर्पियन, किसी याक का आईबॉल, भालू की टट्टी या सांप, किसी कैमल के पेट में मौजूद उसके आंतों की नमी, ना ही सबसे बुरा था अपना खुद का पेशाब पीना। लेकिन यहाँ पर उनके हिसाब से
गोट के कच्चे टेस्टिकल्स को खाना उनके लिए किसी और चीज से ज्यादा ही मुश्किल था, जिसे डे टू डे लाइफ में दुनिया भर के कई सारे नोमैडिक ट्राइब्स बड़े आराम से खा लेते हैं। वैसे आप में से बहुत सारे लोग बेयर ग्रिल्स को एक्चुअली काफी दिलीर मानते होंगे और वो एक्चुअली कई बार अपने आप को साबित कर भी चुके हैं, पर क्या आपको मालूम है कि बेयर ग्रिल को भी काफी डर लगता है और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर एक्चुअली ऊंचाई है। बट सबसे औसम बात यह है कि इसका सामना हमने उन्हें ऑन स्क्रीन कई बार करते हुए देखा है। लेकिन जो भी टीवी में हमें दिखता है, क्या सच में वो सच होता है और क्या सचमुच बेयर ग्रिल्स अपनी जान को यहाँ पर पूरी तरह से खतरे में डालते हैं? वेल, ये सवाल सबके सामने उठने लगे जब बिहाइंड द सीन कई सारे सीक्रेट सबके सामने आने लगे। एग्जांपल के रूप में हम में से बहुत सारे लोग को ऐसा लगता था कि बेयर ग्रिल्स अपने सिर्फ और सिर्फ एक कैमरामैन के साथ जंगलों में जाया करते थे, बट सच तो ये है कि वो अपने एक पूरे के पूरे कैमरा टीम के साथ इन लोकेशंस पर जाया करते थे और वो अपेरेंटली कुछ ऐसी लोकेशंस चुना करते थे जो सिविलाइजेशन से एकदम दूर ना हो। और माना जाता है कि बहुत बार ऐसे मौके आए थे कि जब बेयर ग्रिल्स ने अपनी जंगल शूट के दौरान अपनी रातों को किसी होटल में बिताया था और कभी कभार जानबूझ के चीजों को इंटेंशनली खतरनाक दिखाया जाता था, जहां पर एक एपिसोड के अंदर तो फेक बेयर सूट का भी इस्तेमाल किया गया था। ऊपर से 2007 में एयर हुए एक वॉल्केनो वाले एपिसोड के अंदर एडिशनल स्मोक इफेक्ट भी दिखाए गए थे। साथ ही साथ एक एपिसोड के अंदर एक पूरा का पूरा राफ्ट भी बिहाइंड द सीन एक पूरी की पूरी टीम ने क्रिएट किया था, जिसका असली सच यूएस सर्वाइवल कंसल्टेंट मार्क वेनर्ट ने पॉइंट आउट किया था। अब इन सारे की सारी क्रिटिसिज्म को देखते हुए डिस्कवरी चैनल ने अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड किया, जिसके बाद से वो चीजों को एडिट करने लगे और कई बार इस चीज का भी डिस्क्लेमर देने लगे कि यहाँ पर बेयर ग्रिल्स हमेशा अकेले नहीं होते और वो जो भी करते हैं वो एक्सपर्ट की सुपरविजन में करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सीजन 4 के बाद कई सारे बिहाइंड द सीन को भी रिलीज किया गया, जिसमें उनके साथ के कई सारे टीम मेंबर्स को भी एक्चुअली रिवील किया गया जो उनके साथ जाया करते थे। लेकिन इन कुछ इंसिडेंट्स के अलावा बहुत सारी चीजें जो हमें स्क्रीन पर खतरनाक दिखती थीं, उनमें से कई सारी चीजें खतरनाक थीं भी, जिसमें से एक डेजर्ट वाले सीन के अंदर जिसमें हम बेयर ग्रिल्स को अपना ही पेशाब पीते हुए दिखते हैं, उस एपिसोड के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी क्रू को भी खुद का पेशाब पीना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर उनके पास बहुत ही लिमिटेड पानी था और इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था, जो इंडियन ऑडियंस के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और वो ये था कि बेयर ग्रिल्स एक्चुअली इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते थे। वेल, ये सही नहीं था और यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स के एक 2015 के आर्टिकल्स को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया था, जहाँ पर एक्चुअली बेयर ग्रिल्स ने 90s में अपने बिताए हुए वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था, जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था कि इंडियन आर्मी ने उनके एक्सपेडिशन में उनकी काफी ज्यादा हेल्प भी की थी, बट कहीं पर भी उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का मेंशन नहीं किया था। सच तो ये है कि नेपाल और तिब्बत को छोड़ के किसी और कंट्री का सिटीजन इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो सकता और सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ही कंट्रीज के लिए इंडिया ने स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं। वेल, जब आपको इतने सारे बीहड़ों में रहने की आदत हो तो आप छुट्टियां बिताने के लिए कहां जाएंगे? वेल, बेयर ग्रिल्स ने अपनी इस अनोखे शौक को पूरा करने के लिए भी एक जुगाड़ लगाया है और वो बेसिकली एक ऐसा प्राइवेट आइलैंड ओन करते हैं जो 20 एकड़ में फैला हुआ है और सिविलाइजेशन से 5 मील की दूरी पर है। ना तो यहाँ पर किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही रनिंग वाटर, बस एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर, और इस आइलैंड पर आने और जाने के लिए उनके पास एक हाई स्पीड लाइफ बोट है। वहीं पर अगर बात करें बेयर ग्रिल्स के करंट फ्यूचर के बारे में, तो बेयर ग्रिल्स का कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली 2012 के बाद डिस्कवरी के साथ खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने कई और भी ढेर सारे टीवी शोज को डिस्कवरी के साथ मिलकर किया था, जैसे कि वर्स्ट केस सिनेरियो, गेट आउट अलाइव, एस्केप फ्रॉम हेल, द आइलैंड, रनिंग वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स और ऐसे बहुत सारे टीवी शोज। फाइनली नेटफ्लिक्स के साथ साल 2019 से यहाँ पर बेयर ग्रिल्स एक नए पार्टनरशिप में आए हैं, जिसके कारण अब इस शो को पूरी तरह से चेंज करके यू वर्सेस वाइल्ड कर दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें अवार्ड्स और नॉमिनेशन की, तो थ्रू आउट द सीरीज इसे 4 अवार्ड्स नॉमिनेशन मिल चुकी हैं, जिसमें 2010 में इसे प्राइम टाइम एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सिनेमाटोग्राफी ऑफ रियलिटी प्रोग्रामिंग के लिए चुना गया था। साथ ही साथ इस शो को साल 2011 और 12 में एस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलियन सब्सक्रिप्शन टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन की तरफ से फेवरेट प्रोग्राम इंटरनेशनल का अवार्ड मिला था। साथ ही साथ 2008 में सीरीज को बेस्ट एडिटिंग इन रियलिटी सीरीज के लिए अमेरिकन सिनेमा एडिटर्स की तरफ से अवार्ड भी दिया गया था।
सो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई एम सॉरी आपका चाइल्डहुड रुइन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम वीडियो तो मजेदार लगी ही होगी। अगर ऐसी बात है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही ऑसम वीडियोस चैनल पर लाने वाले हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।